Three, two, one. Release, release, release. Fire. अगर मैं आपको कुछ ही दिन पहले ये कहता कि आप अंतरिक्ष में जाके धरती का एक चक्कर मार के आ सकते हो, तो आप कहते हैं इसके लिए तो मुझे एस्ट्रोनॉट बनना पड़ेगा, इसके लिए मुझे गणित पढ़नी पड़ेगी, साइंस पढ़नी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले देखा है कि रिचर्ड ब्रांसन, जो वर्जिन गैलेक्टिक के फाउंडर है, उन्होंने एक चक्कर मार लिया है और उनके जो एक्सपीरियंसेस है वो सारे ब्रॉडकास्ट हुए थे हमारे यहाँ पे धरती पे। तो आप ये कैसे कर सकते हो, इसके लिए वहाँ पे एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऐसी दो टिकट्स है जो दो लकी विनर्स को मिलेंगी और वो जा सकते हैं बाहर धरती को देखने के लिए अंतरिक्ष से। अब ये कैसे कर सकते हो, सबसे पहली बात तो आपको 18 साल के ऊपर होना पड़ेगा और दूसरी बात ये है कि आपको इन रीजन्स में से नहीं होना होगा। तो आप अगर हिंदी भाषा समझ रहे हो और बोल रहे हो तो बहुत अनलाइकली है ये होना, पर हाँ आप जा पाओगे धरती के बाहर धरती को देखने के लिए 2022 में, अगर आप एक लकी विनर हो इस कॉन्टेस्ट के। तो आप ये कैसे कर सकते हो, इस वीडियो को एंड तक देखिए। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो गैजेट 360 हिंदी और ये है एक वीडियो जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आप अंतरिक्ष में कैसे जा सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो जरूर उस लाइक बटन को दबाए, साथ में ही उस बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूले जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले, और सब्सक्राइब दबाओगे तो भाई बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप एक उड़ान भरना चाहते हो एज ऑफ स्पेस तक, तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा omaze.com/space पे। इधर आप जो कॉन्टेस्ट है उसको दो वे से एंटर कर सकते हो। एक तो है कि आप थोड़ा सा मनी है उसे डोनेट कर सकते हो, एक डोनेशन अमाउंट को चूज़ करके, लेकिन इससे आपकी जो टिकट के विनिंग के चांसेस है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते हैं। दूसरा जो तरीका है वो एकदम फ्री है, आपको सिर्फ टैप करना है एंटर विदाउट कॉन्ट्रीब्यूटिंग के ऊपर, उसके बाद में ये जो फॉर्म है इसको फिल आउट करना पड़ेगा और अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। जस्ट एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी कि जो ईमेल आईडी आप इसके लिए रजिस्टर करते हो वो सिर्फ आप ही यूज़ करते हो, मल्टीपल लोग सेम ईमेल आईडी से रजिस्टर नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। जब आपकी जो भी डिटेल्स है वो फिल हो जाए तो आपको टैप करना होगा सबमिट एंट्री पे, और फिर उसके बाद में आप रजिस्टर हो जाओगे एक ट्रिप टू स्पेस के लिए। अब अगर आपको अपने जो चांसेस है वो और बढ़ाने हैं तो आप 6000 बार एंटर कर सकते हो इस कॉन्टेस्ट के अंदर। अब इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये खत्म होने वाला है 1 सितंबर को, और जो कॉन्टेस्ट के रिजल्ट्स है वो आ जाएंगे 29 सितंबर को। जी हाँ, तब तक आपकी जो सांस है उसे रोक के बैठिए, जो 6000 बार आप अप्लाई कर सकते हो वो भी कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए, आपके पास इतना टाइम है तो। और इसके अलावा हमारे पास में क्या सोचना है, इसके अलावा ये सोचना है कि एलॉन मस्क, हमारे सबसे फेवरेट एंटरप्रेन्योर दुनिया के, उन्होंने भी बोला है कि वो ट्राई आउट करना चाहते हैं वर्जिन गैलेक्टिक को, लेकिन इंटरेस्टिंगली जेफ बेजोस ये नहीं करेंगे क्योंकि उनकी खुद की कंपनी है ब्लू ओरिजिन, जिसके अंदर वो कोशिश करेंगे बाहर जाने की। और इसके अलावा हमारे पास में ज़्यादा कोई सूचना नहीं है आपके साथ में शेयर करने की, बस हमें बता दीजिए कि आपने अगर रजिस्टर किया है या नहीं। और इसी के साथ में वीडियो ख़त्म करने का टाइम आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, क्या पता उनको भी एक मौका मिल जाए बाहर जाने का, वो अपनी सेल्फी खींच के आपको भेज सकें। और इसके अलावा ये भी याद रखिए कि टेक की सारी खबरों के लिए लॉग इन करें hindi.gadget360.com पे।